शांति। बाबा की साकार मुरली है, अक्टूबर 16, 2024, बाप दादा मधुबन। शिव बाबा के महावाक्य है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सम्मुख आए हो, क्यों आए हो? अपार सुख पाने, इसलिए बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते है ना। तमो प्रधान, उसमें से सतो प्रधान। तमो प्रधान मतलब घनेरे दुख, और सतो प्रधान मतलब घनेरे सुख। दोनों की एक्सट्रीम हो जाती है तब बाबा आते हैं, दोनों के बीच में आ जाता है, एक का सफाया करता है, दूसरे की स्थापना करता है। स्थापना करना इम्पोर्टेंट है, सफाया तो अपने आप हो ही जाता है, कुदरती लॉ है, ड्रामा का लॉ है, कोई भी चीज़ पुरानी से नई, नई से पुरानी होनी ही है। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों आया है हो, उनका फर्ज अदाय करने के लिए। उनका फर्ज सिंपल इतना ही है, ज्ञान देना, शक्ति देना, लेना नहीं लेना हमारी चॉइस, लेंगे कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बाबा कहते कर्म के बिना कुछ भी ड्रामा आगे चल नहीं सकता है। प्रश्न है आज का पहला, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है, सुप्रीम है, वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में, कर्म के बंधन में नहीं आता है, ड्रामा के अंदर नहीं आता है। इसलिए रिजर्व में रहता है, जो हमें दुखों से निकाल कर सुखों में ले जाए। यदि वो भी हमारी तरह हो जाए तो हमें निकालेगा कौन? और क्या समझ लिया हमने? हमने यही समझ लिया कि वो भी हमारी तरह है, अवतार है, मतलब हमारा जैसा ही है, मतलब जन्म मरण में आता, इसलिए कह दिया क्या सर्वव्यापी है। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर है क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। पूरा ड्रामा का चक्कर देखो, आधार क्या है? प्योरिटी है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, मुख्य है पवित्रता। बाबा की पवित्रता क्या है? कर्म संन्यास, या कर्म की खाली पवित्रता नहीं है जो दुनिया में सन्यासी लोग कहते साधु संत समाज करते हैं, वैसी नहीं। घर बार छोड़ दिया, खाना पकाना छोड़ दिया, मतलब पवित्र बन गए, इसका बाबा का मन। बाबा की पवित्रता चालू होती है संकल्प से, मन से। जितने संकल्प में पवित्रता, उतनी ही पवित्रता वचन और कर्म में ऑटोमेटिक आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। इसलिए बाबा की शुरुआत कहाँ से है? अपने थॉट बदल दो। संकल्प परिवर्तन ही स्व परिवर्तन का आधार है, और स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इसलिए सबका आधार है प्योरिटी, और वो भी कैसी? मन की प्योरिटी। ओम शांति। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा दे। रूहानी बच्चे और रूहानी बाप, कैसे बच्चे? मीठे मीठे। ओरिजिनल स्वभाव सबका क्या है? मीठा है, पवित्रता है। ओरिजिनल आत्मा के जो संस्कार है, देवताई संस्कार है, जिसको एंजलिक कल्चर या तो एंजलिक वर्चुज भी कहते हैं। कोई देवता कहते हैं हिंदुइज्म, दूसरे धर्म कहते हैं एंजल्स, इतना ही फर्क है। बाकी डिवाइन क्वालिटी, उसमें पहली डिवाइन क्वालिटी है रूहानियत, आत्मा समझना। वह बाप भी है, माता पिता भी है। परमात्मा क्या है? बाप भी है, माता पिता भी है, सब रोल प्ले करता है। तुम गाते थे ने, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। जब तक कृपा नहीं होती, जब तक वो आते नहीं, तब तक सुख हो नहीं सकता। सब पुकारते रहते हैं, किसको पुकारते? परम पिता परमात्मा को, क्योंकि अपना लौकिक पिता सबके यहाँ है, लौकिक के पिता के भी पिता यहाँ है, तो अभी किसको पुकारते? वो भी परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले।
जब तक वो ज्ञान न देवे तब तक कुछ पता नहीं चलता, हमें भी कहाँ पता। इसलिए वो आए हमें ज्ञान दे तभी ही पता चलता है। सुख गनेरे किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते, कुछ भी समझ नहीं। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख गनेरे हैं, है ना? दुनिया में देख रहे दुनिया की हालत, अकाले मृत्यु, कितना दुख, क्या क्या होता रहता है। तो बाबा कहते क्या है, दुनिया ही दुख धाम है, उसमें क्या होगा, दुखी होगा, दुख गनेरे, यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। काफी कॉन्ट्रास्ट। किसको बुद्धि में नहीं आता कि एक ही जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं, बुद्धि में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और नर्क मिला दिया शास्त्रों के अंदर, तो समझा क्या कि स्वर्ग में भी दुख होगा, लक्ष्मी नारायण के राज में भी लूले लंगड़े होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि मिला दिया। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होता है, स्वर्ग में एक ही जन्म के लिए सुख गनेरे रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, बाबा के ज्ञान में तब तक हम भी वही मानते थे, क्या क्या करते थे, मिलता कुछ भी नहीं था। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो क्या कि हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे, कॉन्शियसनेस हमारी बदल दी, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे सेंटर पर बैठे हैं, चाहे कहाँ भी पीस विलेज में बैठे, कहाँ भी बैठे। बाबा कहते कहाँ समझो, मात पिता के सामने बैठे, जितना सामने रखेंगे ना उतना ही चमत्कार होगा, चेंज होगा, वरना नहीं हो सकता। इसलिए कितने सामने, समान, समीप, और कितना दूर, एक ही संकल्प, थॉट किया और बुरा कब बोला। सब सबका आधार क्या है, हमारे संकल्प। इसलिए कहते हैं संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने, क्योंकि सब पति तीन गुणी ब्रह्म, वो कैसे सृष्टि रच सकते, रच ही नहीं सकते। इसलिए बोला ना रिजर्व में चाहिए, वो रिजर्व में रहता है, आता है, हमें रास्ता बताता है। इसलिए बाबा कहते जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, स्पेसिफिक एम ऑब्जेक्टिव है हमारा बाबा के पास आने के। खाली खाली कोई नहीं आता है, खाली खाली कोई किसी को मिलता भी नहीं है, कोई ना कोई अकाउंटिंग है, जिसको भी हम मिलते हैं पूरे दिन में, जहाँ भी मिलते हैं। बाबा कहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंची रखो, और कॉन्शियसनेस का आधार है हमारे संकल्प। अंदर जो भरा पड़ा है वो बाहर आता है, मगर बीच में रखना है कि स्ट्रेनर कि हम क्या सोच रहे हैं, दूसरे की बात छोड़ो। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है, बाप नहीं था तो कुछ पता नहीं था, वो आए समझाए तब समझ में आया कि कितना वंडर है, बाप भी वंडर, हम भी वंडर, ड्रामा भी वंडर, सब वंडर ही वंडर। इसलिए बाबा कहता है समझ लिया, हम पहले घनेरे सुख में थे फिर दुख में आए, यह भी नंबर वार हर एक की बुद्धि में रहता है, हमेशा याद रखो नंबर वार, कुछ भी होता है नंबर वार, सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो नहीं सकता है। एवरीबॉडी इज राइट एज पर देयर पर्सपेक्टिव, मगर हमें क्या राइट करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना, हमारी समझ के अनुसार नहीं। मनमत परमत पर चले तो इतने तो गिरे, बाबा कहते अब तो संभल जाओ, वो खुद आया। और जो भी सुनाते हैं बड़े हमारे जो सीनियर थे, वह सुधार बाबा की श्रीमत सुनाते हैं, हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा दोष वो क्या करेंगे, एक बार सुनाएंगे, दो बार सुनाएंगे, समझाएंगे, आप अकड़ रहो तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आप जानो आपका भाग्य जानो, बाबा जाने, क्यों नंबर वार, उंगली निर्देश कर दिया फिर करना नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, बाबा कहते आपके कर्म के अनुसार, आज नहीं तो कल नहीं रह सकेंगे, नहीं ठहर सकेंगे 100%। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमद फॉलो करो, जो बाबा ने मर्यादाएं बनाई, जो कायदे कानून बनाए हमारे लिए बनाए, उनके लिए नहीं, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी गिरता नहीं है तो चढ़ने की बात ही नहीं, सदा कॉन्स्टेंट है, सदा रिजर्व है।
इसलिए पापा कहते भी समझ में आ गया कि सब कुछ बुद्धि में रहता है। नंबर वन स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए क्या कि कौन है, कहाँ से आए हैं बाबा के, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते, इसलिए फिर मुरझा जाते। कौन जाते? बच्चे ही छुई मुई अवस्था हो जाती। छुई मुई का छोड़ आता है ना, रजामड़ी जिसको गुजराती में बोलते क्या, टच करो माया वार कर लेती, माया टच कर लेती, उड़ा देती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबर वार पर तो है ने, स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ने। रंक मतलब कोई भिखारी नहीं, रंक मतलब कंपेरिजन ऑफ स्टेटस। वह गरीब प्रजा और वह साहूकार, कहाँ महाराजा महारानी और कहाँ नौकर चाकर दास दासी। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे ही है, ऊँचो और नीच। अभी तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ते सुख घनेरे है ने? मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती है, ये दुनिया का लॉ है। इसलिए बाबा कहते मांगना है तो क्या मांगो, प्योरिटी मांगो, सुख मांगो, शांति मांगो, बाकी स्थूल चीजों में नहीं जाओ। मांगना भी बाबा कहते सीखो, प्योरिटी इज दी मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए, मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवता ये सदा सुखी थे, खाली सुखी नहीं थे, सदा सुखी थे। हमें भी क्या करना है, सदा याद में रहे, सदा। कभी कभी वाला नहीं, मनुष्य को सदा सुखी हो न सके, मन के वश देवता ही हो सकते हैं। सुख होता ही है देवताओं को, इन देवताओं को ही तुम पूजा, देवताओं की ही तुम पूजा करते थे न, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता के, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं क्या दुनिया में पीस हो? बाबा कहते शिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। कितना भी माथा मार ले बाबा कहते, कितने भी नोबेल प्राइज दे दे, हो ही नहीं सकता है। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। और पवित्रता कहाँ से? मन से, संकल्प से लेकर मन वचन कर्म तन मन धन सब में पवित्रता। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है, पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए, मस्ट है। देवता ये पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उसके सामने माथा टेकते। क्यों टेकते? खाली खाली नहीं टेकते, उनकी प्योरिटी का पावर है, अपने आप झुक जाते। इसलिए बाबा कहते माथा टेकते हैं, क्यों? पवित्र है। मुख्य बात है पवित्रता। पुकारते भी ऐसे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। क्यों बोलते पतित पावन? खुद पतित है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, गीता के महावाक्य है। बाबा ये ब्रह्मा कुमारी ने गीता में भी लिखा हुआ है। बाबा तो कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ भी कहते हैं, मगर गीता पढ़ो बाबा कहते हैं, वहाँ भी है काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे, और उनकी शुरुआत करनी है मन से, धीरे धीरे धीरे। डॉक्टर बनना है तो 15 साल पढ़ना पड़ता है, उसी तरह संपूर्ण पवित्र बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तो होगा। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है ने? तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था, की चार था, कोई गिनती करने की जरूरत ही नहीं थी। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है, इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी, कहते हैं ने, बनना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना।
यह तो गायन है ना, यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाबा के बने मतलब सब बाबा ले लेगा, बाबा कहते पासी बने, मैं सब कुछ ले लेता हूँ मगर मुझे दोने उठा लेते, आदत पड़ी हुई है ना। बाबा कहते पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी, गाई हुई है शास्त्र में भी लिखा हुआ, तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में वह देवता थे, हम ही तो थे। बाबा कहते आप ही तो थे, वो तो रिजर्व में रहता है, वो देवता कभी बनता ही नहीं, सतयुग में कभी आता ही नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाबा याद दिलाते थे आप ही तो थे, और आपको ही बनना है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा जो दृष्टि से हमें देखता है वो दृष्टि से हम अपने आप को नहीं देखते, इसलिए गिरते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पल सूरत तो मनुष्यों की है परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। सूरत तो सेम है हमारा, जैसे दो हाथ दो पैर शरीर मनुष्य ही है, मगर वन के वश नहीं है क्योंकि देवता है, देने वाले हैं लेने वाले ही नहीं है, वहाँ है संपूर्ण सत्व प्रधान, कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, एक भी कला क्या 0.01% भी कमी नहीं, इक्विवेलेंट टू गॉड, जिसको ही कहते भगवान भगवती, हर चीज परफेक्ट होती है, परफेक्ट कंप्लीट। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं, क्यों परफेक्ट है क्योंकि बनाने वाला कौन है, वो थोड़ा इम्परफेक्ट है, परफेक्ट इसलिए तो परफेक्ट हम बनते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो, नेचुरल ब्यूटी, कोई पाउडर कोई किसी जरूरत नहीं लगाने की, कोई सेंट कुछ भी जरूरत नहीं, कितने नेचुरल ब्यूटीफुल बनते हो, और यहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ बनेंगे। कहते जितना यहाँ यूज करेंगे, चाहे सरेंडर है चाहे गृहस्थी है, कोई भी वक्त यहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, यहाँ लेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं छोड़ना है, ऐसे बनते हो पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो, यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, परमात्मा तो एवर प्योर है ने, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती, सत्व प्रधान होती ही है खूबसूरत, वही फिर तुमो प्रधान होने से काले हो पड़ते, मतलब आत्मा काली हो जाती। करे तो किसी को सुंदर है तो कहीं अच्छे दान किया होगा हॉस्पिटल के लिए, तो तंदुरुस्ती के लिए, अच्छा एजुकेशन है तो एजुकेशन का दान किया होगा, एक ही जन्म चलता है, नेक्स्ट बर्थ तक हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई अच्छा शरीर मिलता है। बाबा कहते हैं नाम ही है श्याम और सुंदर, काले वो पड़ते हैं, फिर से बनाने वाला वो है परमात्मा है, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के, किसी की ताकत नहीं है बताने की, भूल जाते हैं सब कुछ, भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिए, किसको दे, क्योंकि आज ब्राह्मण है कल चले जाए, इसलिए इसको दे नहीं सकते जब तक कंप्लीट न बने, कंप्लीट ब्राह्मण मतलब देवता। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं है, उनको क्या जरूरत है, वह क्या करेंगे, शंख आदि, स्वदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण बच्चे हो, देवता नहीं है, उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो बन गए डॉक्टर बन गए, फिर पढ़ने की दरकार नहीं रहती है। शंख ध्वनि भी तुमको करनी है, ब्राह्मणों को करनी है, तुम जानते हो विश्व में कैसे स्थान्ति स्थापन हो रही, हम सब कुछ जानते, कब जाना बाबा के मिलने के बाद, बाबा को मिलने के बाद, तब तक हमें भी पता नहीं था ना, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए, बाबा कहते चलन प्रैक्टिकल लाइफ, भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ने, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है, ताकत नहीं है, वो भी गिरे हुए हैं,
वो भी हमारे साथ में ही, मगर हमें पता नहीं है। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, सोले कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकार, उनके आगे नहीं कहेंगे, देवताओं को कहेंगे। ये शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा का। परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है, शरीर नहीं बनता है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके, एक भी पावन नहीं हो सकता शरीर से। साधु संन्यासी भी जन्म अपवित्रता से लेते हैं। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो, तो प्रकृति भी, आत्मा तो तमो प्रधान, प्रकृति भी। इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति भी सतो प्रधान हो तो सतो प्रधान शरीर मिले। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है, अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान कर देते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लग दे, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बम आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं बॉम्ब आदि, ईश्वर ने नहीं बनाए। प्रकृति का भी कोई लेन देन नहीं उनके साथ, वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती है, सब आपदा एक साथ मिल जाती है, पृथ्वी से हल्का हो जाते, पूरा का पूरा सत्यानाश, मतलब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, जो ड्रामा का लॉ है। तुम जानते हो क्या कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया? माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ने, वरना सुस्त, चुस्त व सुस्त, चुस्त हो जाते हैं, एक्टिव। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है आपकी सदगति करने। क्यों आया बाबा? खाली खाली नहीं आया, उनका रोल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रामा में हर एक्टर की। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते। मोर देन 4,000 रिलीजन, मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस, क्या क्या बना रखा है। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था कि परिवर्तन कैसे होगा, कैसे धर्म विनाश होगा, कैसे दुनिया में शांति होगी। अभी समझते हो, गायन भी है क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा नहीं करता है, कराने वाला वो परमात्मा है। बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके। सब धर्म परित्यज जान मामेकं शरणं व्रज। कौन कह सकता है? सबको परमात्मा ही कह सकता है, सबको, सब धर्म वाले के लिए, सिवाय एक शिव बाबा के कोई नहीं कर सकता है। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है उच्चते उच्च, उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच, इसलिए कहते सर्वोच्च। कर्म करावन हार है ने, तो तुम नॉलेज सुनाते हो कि बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के। किसका बोझ है? पाप आत्माओं का। देखिए आत्मा पाप कर्म करती है तो बोझ बढ़ता है दुनिया पर। कौन उतार सकता है? वही, किसी की ताकत नहीं। यह भी तो गायन है ना, बाप आते ही एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। कहते हैं ना, मैं एक साथ धर्म की स्थापना करता हूँ जिसका नाम है डेटी, या तो एंजलिक रिलीजन। तुम कब कब कितना उच्च महात्मा बना रहे, महान आत्मा।
महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं, बराबर सुनना। सिर्फ देवताओं को ही महात्मा कह सकते, दूसरे किसी को भी नहीं, क्योंकि शरीर तो अपवित्र पांच तत्वों से बना हुआ है। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को, और रामराज कहा ही जाता है स्वर्ग को, त्रेता वाला भी नहीं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। दुनिया भी संपूर्ण निर्विकारी, तो मनुष्य आत्मा ये मतलब देवता ये भी संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। पाना है बाबा कहते सुख तो संपूर्ण पवित्र बनो, अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते, स्कूल में भी देखो फर्क दिखाई पड़ता है ना। डॉक्टर माना डॉक्टर बाबा एग्जाम्पल देते सुनो, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती है। दोनों डॉक्टर ही कहलाते हैं, दोनों वकील ही हैं, मगर एक को एक केस का लाखों रुपये मगर दूसरे को पूरा 100 रुपये भी नहीं मिलता है। कहते हैं पहनने के लिए कोट भी नहीं है, इसलिए कोई कहते हैं सब एक ही देवता ही, मगर ऊपर नीचे। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, बाकी हो ही नहीं सकता है श्री कृष्ण सांवरा, पहला जन्म है, संपूर्ण पवित्रता से कैसे हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का नाम रूप तो बदल जाता है ना, आत्मा सांवरा ही बनते, तो शरीर भी कैसा सांवरा दिखाए कैसे, तो कलर से दिखाना पड़ेगा, इसलिए सांवरा दिखाते। सो भी आत्मा सांवरी बनती है भिन्न नाम रूप देश काल तत्त्वम, सब ब्राह्मण भी उसी तरह। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर, हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बज पाठ में आए। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने, है ना। पहले क्या था, श्रीमती सबका सुर मिलता था, धीरे धीरे रावण आया सबको असुर बना दिया, किसी की मत श्रीमत से मिलती नहीं, अलग अलग हो जाती पूरी की पूरी। इसलिए तो इतनी भाषा इतने धर्म क्यों, मत अलग अलग, इसलिए बाबा कहते हैं असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझा है, जिसका और कोई को पता नहीं है, बाप ही आकर सब राज समझाते। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ने, तुम भाई भाई थे ने, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाकी तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते। कौन बाबा, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितने समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है, ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। सुना, द्वापर से पुकारते नहीं। सुखी है बहुत ही, कलयुग की बिगिनिंग तक सुखी है, जो कुछ दुख देख रहे साल ये 100 साल की बात है। पुकारा तब तो वो आए, कब पुकारा, 100 साल पहले, बहुत ही पुकारा दिल से तब वो आ गए। इसलिए बाबा कहते वहाँ पुकारते नहीं, इसकी रसम चलती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है, तुमको तो बाप सुखी बनाते, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहा है, वो दे रहे हैं। तुम भी कहते बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए, एक बार नहीं अनेक बार, ये चक्र चलता ही रहता है, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। सो भी सब देहधारी है, सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है विदेही, वो एक ही ऐसा है जिसको अपना देह नहीं है, यह उनकी देह नहीं है, दादा की है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं, देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे। सभी रूहों का वह बाप है, भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कैसे याद करते, ऊपर में है फूल और युगल मेरु, मेरु का मुनका जो होता है जॉइंट, जॉइंट बीड कपल बीड,
वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते है, देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? तो क्वेश्चन कर रहा, माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप पढ़ा, इसकी बनती है, ब्राह्मणों की माला बनती है, मगर संपूर्ण होने के बाद, तब तक आगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ा दे, ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कर्म के बिना फल मिल नहीं सकता, कर्म का लॉ। इसलिए बाबा कहते मेहनत बलिहारी पढ़ाने वाले की है, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहाँ तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते। तुम गुलगुल बनते होने आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो, देवता ये स्वर्ग में रहते, तुम सब देवता बन जाते हो, वहाँ तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी, ड्रामा का ज्ञान वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं है, पार्टी निकल जाती। अभी तो ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत 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 भाग्यशाली कहते हैं, अपने को देखो वो दृष्टि से देखो जो दृष्टि से बाबा हमें देखता है। कमी को देखेंगे अपनी तो कमजोर बन जाएंगे, बाबा कहते हैं अपनी विशेषता देखो और समान चूझ लो मुरली से। परंतु माया फिर बुला देती, तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ा दे, दादा यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं, यह तो सब में लास्ट, सबसे लास्ट में थाने, सबसे नंबर वन पतित वही भी नंबर वन पावन बनते, कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना उच्च बनाते, आयुषवान भव पुत्रवान भव आदि आदि, यह भी ड्रामा में। बाप कहते मैं अगर आशीर्वाद दूँ फिर तो सबको देता रहूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता, ये उनका काम है पढ़ाना, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती, यही उनकी सबसे बड़ी आशीर्वाद है पढ़ाना। और कैसे कैसे देखो मैंने क्या था, मुरली भी घर पर नहीं मिलती थी, फोटोकॉपी भी, आज देखो कितने लकी है हम सबके घर बैठे गंगा। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना, पवित्रता की धारण कर, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है, मुख्य बात प्योरिटी की बाबा ने जो मुरली में कहा परफेक्ट बनना है। तो आप समझ, दूसरी पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख, ब्राह्मण सो देवता बनने की सेवा करनी है, सबसे ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है, सिमर सिमर सुख भाव भाग्य भी सिमरो, आज का वरदान है धारणा स्वरूप द्वारा, कैसे सेवा करनी, धारण करके सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले, धारणा कर सेवा करेंगे तो खुशी मिलेगी, तीर लगेगा, सच्चे सेवाधारी तो सच्चे सेवाधारी बन सकेंगे। बाबा समझाते हैं
सेवा में उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यही यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, होता है ना सबको, तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो, बोलना इजी है, धारण करना डिफिकल्ट है बोलने से। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मांग जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं, उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। मगर कब? जब धारणा स्वरूप बनकर सेवा करेंगे तब। आज का स्लोगन है सच्चे दिल से, दिमाग से नहीं, दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ये स्थूल मौज की बात नहीं है, रूहानी मौज आत्मा की मस्ती की बात है। कब? सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लेंगे तब बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।